आज 8 तारीख हमारे अनशन का दिन, जो हमारा आमरण अनशन चालू हो गया। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं, यह लड़ाई 2 साल से ऊपर हो गया लड़ते हुए। और आज यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे अनशन पर बैठा हुआ, हालांकि जो सूचना दिया था उसमें रामलीला मैदान लिखा था जगह बैठने के लिए, लेकिन वहाँ जाने पर जब वहाँ की स्थिति देखा, वहाँ पर कोरोना के लिए हॉस्पिटल बना दिया गया है, जो मौके पर इलाज चल रहा है, वहाँ पे जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी जब हम आकर बैठने के लिए तैयार हुए, तो यहाँ की जो पुलिस थी, सबसे पहले तो जाने का प्रयास करी कि इसी तरह से हमें यहाँ से भाग जाए, लेकिन संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपनी आवाज़ शांतिपूर्वक से उठा सकते हैं, जिसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो यह आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं और अभी भी आगे उठाते रहेंगे जब तक हमको न्याय मिल नहीं जाए। और यह समस्या केवल हमारी नहीं है, यह समस्या हर उस आदमी की है जिसके साथ पुलिस वाले गलत तरीके से पेश आते हैं। क्योंकि एक पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए ही बनी हुई है, किसी और के लिए नहीं बनी। और कहीं न कहीं ज्यादातर जनता इन्हीं सुरक्षा कर्मी, इन्हीं पुलिस वालों से परेशान है। इनके अंदर का वह इंसानियत कहीं न कहीं मर चुका है। तो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे जो भी हमारे साथ होता जाएगा उसकी सारी सूचना आप लोगों को देते रहेंगे। हाँ, एक काम कीजिएगा, आप लोग अगर हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम इस मोबाइल के जरिए आप लोग जो भी सूचना दे रहे हैं तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, ताकि यह खबर हर जनता के पास पहुंच जाए। क्योंकि जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है, जनता की ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है। और सरकार से अगर आज हम परेशान हैं तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाएं? हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वह योगी जी हो या फिर मोदी जी हो। अगर हमें परेशानी है तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे। मालिक है तो क्या हुआ, अगर हम मालिक हैं तो हम घर के बच्चे हैं तो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर हमारी परेशानी उस मालिक के समय में है तो हम कहेंगे कि आपने गलती है। हमें इस बात का डर नहीं कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। अरे हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कि हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। आज जीव सबको अच्छा लगता है, सबको जान प्यारी है, हमको भी जान प्यारी है, लेकिन ऐसी जान नहीं चाहिए जिसमें घुट घुट के जीना हो। हम आजाद भारत में रहते हैं, क्यों घुट कर जिए? हाँ, आगे और भी हर दिन का आप लोग बीच वीडियो रखते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आज सोशल मीडिया है, जिसके जरिए आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी आदमी जान सकता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाइए, एक उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी जितने नए देंगे। बस इसी के साथ जय हिंद। ये एजुकेट करते हैं।